आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन और बैंगन की बहुत ही अच्छी बहुत ही यूनिक रेसिपी ये रेसिपी होने वाली है बहुत ज़्यादा अलग इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आइए हम चलते हैं रेसिपी की ओर तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है कुछ खड़े मसाले जिसमें मैंने लिया है चार चम्मच खड़ा धनिया एक बड़ा चम्मच खड़ा जीरा ये आधा चम्मच के करीब मेथी दाना और ये छः से सात लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च अब मैं इसे फुल फ्लेम पे दो मिनट के लिए भून लेती हूँ भूनने के बाद हल्का सा ठंडा होने के बाद इसकी हमने एक दरदरी सी पाउडर तैयार कर लेनी है तो ये मैं डाल रही हूँ मिक्सर चार में और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें पाउडर फॉर्म कैसा तैयार करना है ये देखिए इस तरीके से हल्की सी दरदरी होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा फाइन और ना दरदरी अब मैं इस मसाले को ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एक कटोरी में और अभी इसमें मैं कुछ और मसाले ऐड करूँगी जैसे कि ये हो गया नमक स्वाद के अनुसार ये एक चम्मच भर के अमचूर पाउडर यानी कि खटाई ये बहुत ज़रूरी है और ये एक चम्मच तेल तो जो मसाले मैंने बाद में ऐड किए जैसे कि अमचूर पाउडर तेल ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस रेसिपी के लिए अब इसकी अच्छी सी मिक्सचर तैयार कर लेती हूँ तो ये देखिए तेल इतना हो जितने में सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए अब मैं यहाँ पर एक पतीले में ले रही हूँ बेसन साथ ही एक चम्मच चावल का आटा अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह पे कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं स्वाद के अनुसार नमक ये एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर अब इसे हम करेंगे मिक्स और अब इसे मैं पानी के साथ घोल लेती हूँ तो जो इसकी पेस्ट तैयार करनी है वो हल्की हल्की पानी डाल के हमने एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है एक बार में पानी नहीं डालना है इसमें नहीं तो लम्ब्स निकल आएंगे तो पेस्ट बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ तो ये पानी ऐड कर कर करके और ये देखिए ऐसी हमने घोल तैयार कर लेनी है बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए तो मैंने यहाँ पे लिया है बैगन और बैगन को हमें डिवाइड करना है दो पार्ट में अगर बैगन बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो उसमें हम तीन पार्ट में उसे डिवाइड कर देंगे दोस्तों रेसिपी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें अभी इस बैगन को भी हमने डिवाइड कर लेना है इस तरीके से हम क्रिस क्रॉस करके और इसमें दो चीरा लगा लेंगे और इस पॉइंट तक ही हमने इसे काटना है पूरे बैगन को नहीं काटना है तो बस दोन दो, दो साइड से मैंने इसे इस तरीके से काट लिया पूरा बैगन अलग नहीं होना चाहिए बैगन एक दूसरे में सटा होना चाहिए ये देखिए तो इसी तरीके से मैं सारे बैगन को काट लूँगी और अभी और अब हम बारी बारी से एक एक बैगन में जो मसाला हमने तैयार किया था वो हम इसमें डालेंगे तो इस तरीके से इसका मुँह खोलकर और मैं इसमें मसाले फिल कर देती हूँ आप हाथों से ही मसाला इसमें डाल सकते हैं चम्मच से भी डाल सकते हैं तो मेरे लिए सुविधाजनक है हाथ से डालना तो मैं मसाले हाथ से डाल रही हूँ और बस इसे अच्छे से ऊपर तक फिल कर लेना है और इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है बढ़िया से मसाले इसकी क्वांटिटी इसमें अच्छी होनी चाहिए ऊपर तक मसाले को मैंने फिल कर लिया और बारी बारी से सारे बैगन में मैं मसाले भर के तैयार कर लेती हूँ ये रेसिपी बहुत ही लाजवाब लगती है खाने में आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें तो मैंने यहाँ पे सारे बैगन को रेडी कर लिया अब मैं यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे तेल रख दी थी गर्म होने को हाथ से टेम्परेचर नाप लीजिए और इस बैटर में हमने क्या करना है कि जो मसाला भरा हुआ बैगन है उसको डिप करना है बढ़िया से और तेल में इसे हमने फ्राई करना है तो अगर आपका बैटर पतला रहेगा तो तेल में डालते वक्त जो बेसन है वो अलग अलग बिखर जाएगा इसलिए बैटर को हमने हल्का थिक रखना है अब इसी तरीके से मैं सारे बैगन को डिप करके बेसन वाले घोल में और कढ़ाई में डाल देती हूँ फ्लेम हमारा रहेगा मीडियम पे और दोस्तों इस रेसिपी को बनाने के बाद इसे आप चावल के साथ सर्व कीजिए बहुत ज़्यादा मज़ाने वाला है खाने में ये बहुत ही यम रेसिपी होती है बस अब मैं इसे थोड़ा सा ऊपर से इसके तेल डाल देती हूँ ताकि ऊपर का पोर्शन भी हल्का सा फ्राई हो जाए और इसी पॉइंट पे मैं इसे अब पलट दूँगी दोस्तों अगर आपने ये रेसिपी पहले ट्राई कर चुका है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको इसके बारे में पहले से पता होगी अभी इसे हमने हल्का क्रिस्प करना है यानी कि ब्राउन कलर का हो जाने तक हमें इसे पकाना है फ्राई करना है तो हल्का हल्का पलट पलट के और हम इसे फ्राई कर लेंगे बैगन काफ़ी सुनहरे कलर के हो गए हैं ये बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प होते हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा नरम होते हैं इन्हें हर साइड से एक एक करके चेक कर लीजिए कहीं से भी ये कलर इसका डिसकलर नहीं होना चाहिए तो बस अब इस पॉइंट पे मैं एक एक करके बैगन को कढ़ाई से बाहर निकाल लूँगी इसे टिश्यू पे निकाल सकते हैं या फिर सरसों का तेल है तो आप इसे डायरेक्टली थाली में भी निकाल सकते हो ये रही हमारी यमी सी बैगन और बेसन की रेसिपी कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा